कुमार, इस भाग में हम बताने वाले हैं आपको वेक्टर डीएनए और नॉन वेक्टर डीएनए यानी कि वेक्टरलेस डीएनए के बारे में हम बताएंगे। यह जो टॉपिक है हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, चैप्टर आपको है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल है देखेंगे, फर्स्ट में है बैक्टीरियोफाज वेक्टर। बैक्टीरियोफाज वेक्टर को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल में। जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये नंबर जो है आपको एक से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको 15 से आपको 100 तक आपको नंबर में आपको ये क्या करते हैं, रिप्लीकेट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा नंबर में रिप्लीकेट करते हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये इन्फेक्शंस करने में हेल्प करता है आपको होस्ट सेल में जा करके, इसलिए इसका जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट में काफ़ी यूजफुल है। अब हम लोग जो जानते हैं बैक्टीरियोफाज जो वेक्टर है, दो तरीके के बैक्टीरियोफाज वेक्टर होते हैं। पहला जो है बैक्टीरियोफाज जो वेक्टर है आपको लेमडाफाज है, क्या है, डेट इज लेमडाफाज। दूसरा जो है आपको क्या है, M13 फाज। दो तरीके के होते हैं, ये जो होते हैं डबल स्टैंडर्ड होते हैं, ये जो होते हैं आपको सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, जबकि ये जो होते हैं डबल स्टैंडर्ड लीनियर होते हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड में आपको डेट इज सर्कुलर होते हैं। ओके, इस तरीके से आपको होते हैं, तो डेट इज बैक्टीरियोफाज वेक्टर। ओके, अब हम लोग दूसरा जानते हैं कॉस्मिड क्या है। कॉस्मिड जो होता है, कॉस्मिड के बारे में अगर हम लोग जाने, व्हाट इज कॉस्मिड, कॉस्मिड के बारे में हम लोग समझना चाहते हैं, व्हाट इज कॉस्मिड। कॉस्मिड जो बनता है दो नाम से बनता है, एक कॉस एक MID। ओके, तो एक बनता है कॉस से, एक बनता है MID से। कॉस का मतलब होता है कॉस साइट ऑफ लेमडाफाज। लेमडाफाज अभी हमने बताया बैक्टीरियोफाज है। और मीड का मतलब होता है प्लाज्मिड, यानी कि ये दो तरीके के कॉम्बिनेशन से बना है, कॉस साइट ऑफ लेमडाफाज और प्लाज्मिड के मिलने से ये बनते हैं। इसका अगर जाने साइज कितना होता है, साइज आपको 45 की भी होता है। यहां पर 1 KB में आपको 1000 आपको नाइट्रोजनस बेस पाए जाएंगे, ये हमेशा जानिएगा। तो 45 KB में क्या हो जाएगा, 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 45,000 आपको न्यूक्लियोटाइड बेस हो जाएगा। ओके, तो ये व्हाट इज कॉस्मिक, दैट इज द कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ कॉस साइट ऑफ लेमडाफाज एंड प्लाज्मिड। ओके, प्लाज्मिड वेक्टर। लेकिन यह जानना है कि कॉस साइट क्या होता है, व्हाट इज कॉस। लोग कहते हैं कॉस मीन्स कोहेजिव होता है, कोहेजिव आपने जाना होगा स्टिकी इंट। तो कोहेजिव जो है, कोहेजिव पार्ट ऑफ लेमडाफाज और प्लाज्मिड के संजोग से ये दोनों बनते हैं। ओके, अब हम लोग को जानना है बाक के बारे में, व्हाट इज बाक। बाक का जो फुल फॉर्म होता है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, BAC। BAC का फुल फॉर्म आपको होता है, हम लोग जानेंगे अब बाक के बारे में। BAC बाक का जो फुल फॉर्म होता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम होता है। तो मैंने क्या बताया, बैक का मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। यह नेचुरल होता है। ओके, क्या होता है, नेचुरल होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो ये जो जनरली है आपको नेचुरली ज्यादा यूज किया जाता है। इसका जो है साइज जो है जनरली कितना होता है, साइज 300 से 350 KB तक होता है। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, इसका जो यूज है, एप्लीकेशन है, अगर जानते हैं तो जीन DNA सिक्वेंसिंग में आपको किया जाता है। अब उसी तरीके के दूसरे होते हैं, एक याक है YAC। ध्यान देंगे याक क्या होता है, याक भी, याक के बारे में जानना पसंद करते हैं। तो याक का फुल फॉर्म जो होता है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। ओके, ये आपको ईस्ट जैसे एक्सट्रैक्ट जो देखते हैं, बैक का मतलब होता है आपको बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया है, ये आर्टिफिशियल है। ओके, बैक आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, आर्टिफिशियल जैसा है लेकिन नेचुरल के जैसा होता है, बाय AC। तो ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम है। ओके, डेट इज क्या है,
ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ये ईस्ट के अंदर होता है, इसमें लगभग 1 मेगाबेस पेयर होते हैं। इसका साइज कितना होता है, इसका जो यूज होता है कहाँ पर होता है, आप लोग जानते होंगे जीनोम प्रोजेक्ट, जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़े होंगे है ना आप लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP में होता है। कहाँ पर होता है इसका यूज, HGP में होता है। HGP का मतलब क्या होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। ओके, अब हम लोग आगे की बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ा जाए तो आगे है फैजमिड है। व्हाट इज फैजमिड, आगे समझना है फैजमिड के बारे में। तो फैजमिड है, फैजमिड देखिए, फैजमिड भी आपको दो वर्ड्स मिलकर के बना है, एक आपको फैज दूसरा मिड। फैज से होता है बैक्टीरियोफाज और मिड का मतलब आप लोग सही सोच रहे होंगे प्लाज्मिड। ये दो चीज का कॉम्बिनेशन होता है, आपको दो तरीके के ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन होता है। ये भी आपको वेक्टर है, आपको वेक्टर डीएनए है जो आपको बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड के मिलने से बनते हैं। ओके, इसे क्या कहा जाता है, फैजमिड के नाम से हम लोग पुकारते हैं। क्या कहते हैं, डेट इज फैजमिड के नाम से पुकारा जाता है। इसका भी यूज कहां पर होता है, इसका भी यूज की बात करें तो आपको डीएनए सीक्वेंस में होता है। आगे की ओर बात करते हैं ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स क्या है, व्हाट इज ट्रांसपोजोन्स, ट्रांसपोजोन्स, ट्रांसपोजॉक के बारे में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, इनका नाम था बारबरा मैक क्लिंटॉक। उन साइंटिस्ट का नाम था बारबरा मैक क्लिंटॉक। ओके, ध्यान देंगे, किसमें बताया था, मेज में बताया था। ट्रांसपोजोन्स को इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट भी कह सकते हैं, जंपिंग जीन भी कह सकते हैं और मोबाइल जीन्स भी कह सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं, तो यह जो है यूनिट ऑफ डीएनए है, ऐसा यूनिट ऑफ डीएनए है जो एक डीएनए से मूव करके दूसरे डीएनए पर आपको चला जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोजेबल्स के नाम से जानते हैं। आगे है शटल वेक्टर्स। व्हाट इज शटल वेक्टर, देखिए शटल वेक्टर क्या होते हैं, शटल वेक्टर के बारे में हम लोग समझते हैं, SHUTTLE शटल वेक्टर्स, ऐसा वेक्टर जिसका यूज आपको प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और जिसका यूकैरियोटिक में भी आपको यूज होता है, दोनों सेल में यूज होता है। ओके, ध्यान देंगे, तो शटल वेक्टर कहा जाता है। इसमें दो तरीके के क्या होते हैं, ORI होते हैं, यानी कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ORI को हम लोग क्या कहते हैं, ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के नाम से पुकारा जाता है। ओके, और दो तरीके के इसमें सिलेक्टेबल मार्कर भी होते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर। ओके, ध्यान देंगे, एक जो आपको होते हैं सिंगल जो है आपको प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया इकोलाई के लिए यूज होता है, जबकि एक यूकैरियोटिक सेल के लिए आपको यूज होता है। तो दो टाइप में, एक प्रोकैरियोटिक के लिए यूज होता है, एक इसके लिए यूज होता है और दूसरा इसके लिए यूज होता है।
तो सटल वेक्टर्स जनरली अगर देखा जाए तो किसे किसे कहा जाता है? सटल वेक्टर्स का जो एग्जांपल है वाई ई पी, इसका नाम है ईस्ट इपिजोमल प्लाज्मिड। ओके, दूसरा जो है आपको टी आई प्लाज्मिड, टी आई क्या होता है जानेंगे। टी आई जो है जनरली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस में होता है, इसको कहते हैं प्लाज्मिड, नहीं कह सकते टी आई भी कह सकते हैं ना सीधा। तो टी आई का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूस्ड, क्या होता है ट्यूमर इंड्यूस्ड। ओके, तो हम पहले भी लिख रहे थे टी आई प्लाज्मिड, इसको टी आई प्लाज्मिड ही कहा जाता है। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने बताया अभी सटल वेक्टर बताया, सटल वेक्टर के बाद है कॉम्पिटेंट होस्ट, कॉम्पिटेंट मींस होता है योग्य होता है, कॉम्पिटेंट मींस क्या होता है योग्य। कॉम्पिटेंट होस्ट जानेंगे कि कॉम्पिटेंट होस्ट आखिर क्या होता है। जैसे कोई भी होस्ट में हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं आपको वेक्टर डीएनए को, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के रूप में, सीधा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह सकते हैं, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल में, तो करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट कहते हैं। इंट्रोड्यूस हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि वो जो होस्ट है योग्य है होस्ट एक्सेप्ट करने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको, होस्ट सेल में, होस्ट सेल और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग कह सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को दोनों को आपस में जोड़ा जाता है और इसे सबसे पहले इनक्यूबेट किया जाता है आइस में, फिर इसे 42 डिग्री सेल्सियस पे आपको हल्का सा हीट शॉक दिया जाता है, उसके बाद फिर से इसे आइस पे आपको कूल किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो है आरडीएनए जो है ये होस्ट सेल है, होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है, अंदर की ओर चला जाता है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ओके, इंट्रोड्यूस हो जाता है। इस प्रोसेस को कॉम्पिटेंट, पूरा का पूरा जब ये प्रोसेस लास्ट में होस्ट के अंदर चला गया, इंट्रोड्यूस हो गया, तो अब इस होस्ट को क्या कहेंगे, कॉम्पिटेंट होस्ट कहेंगे। ओके, होस्ट के रूप में क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, जो भी आपका हो। नेक्स्ट है माइक्रो इंजेक्शंस क्या होते हैं, व्हाट इज माइक्रो इंजेक्शंस, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज माइक्रो इंजेक्शंस। माइक्रो इंजेक्शंस जो है जनरली या प्रोसेस किसमें किया जाता है, एनिमल में या प्लांट में, या जो है प्रोसेस एनिमल सेल में किया जाता है, ध्यान देंगे किसमें किया जाता है, एनिमल सेल में। ये मान लीजिए कि सेल है, इसमें जो है आपको न्यूक्लियस है, ये आपका, ये उसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ओके, इसी न्यूक्लियस में नीडल के सहारे आपको माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो पिपेट है ना, या माइक्रो नीडल के सहारे हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को पुट करते हैं, क्या करते हैं, डीएनए को पुट करते हैं। तो इसको माइक्रो इंजेक्शन
ये आपको क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है माइक्रो पिपेट के सहारे से न्यूक्लियस में आपको डीएनए को इंटर करने के प्रोसेस को माइक्रो इंजेक्शन कहा जाता है। ओके, उसी तरीके से एक जो होते हैं बायोलिस्टिक जीन होते हैं, बायोलिस्टिक जीन, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, दूसरा नाम है जीन गन। ये एनिमल सेल में होता है, जबकि ये जो है इसकी बात करें तो ये जो है आपको प्लांट सेल में होता है। किसमें होता है? प्लांट सेल में होता है। प्लास्टिक बायोब्लास्टिक जीन में, बायोलिस्टिक जीन में आपको डीएनए है, डीएनए को सबसे पहले कोटेड किया जाता है। किससे कोटेड किया जाता है? गोल्ड से या तो टंगस्टन से, गोल्ड या टंगस्टन से कोट कर लिया जाता है। उसके बाद इसको सेल के अंदर, ये जो सेल है सेल के अंदर बम्बार्ड किया जाता है, बम्बार्ड यानी कि बम्बारी करके इसको सेल में इंटर किया जाता है। ओके, तो इसको कहते हैं बायोलिस्टिक जीन, या तो इसे कहते हैं जीन गन। ओके, यह जो होता है किसके थ्रू होता है? आपको प्लांट सेल के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? प्लांट सेल के थ्रू होता है। तो इस तरीके से हाई बम्बार्डिंग के कारण, हाई वेलोसिटी के कारण आपको डीएनए जो है डीएनए को एक्सेप्ट कर लेता है कौन? सेल। तो ये था बायोब्लास्टिक जीन या जीन गन। एक आपको और है, ध्यान देंगे, एक आपका है इलेक्ट्रोपोरेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रोपोरेशन? समझेंगे इलेक्ट्रोपोरेशन आखिर क्या होता है। इलेक्ट्रोपोरेशन वाले वर्ड में ही समझा छुपा हुआ है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, पोर पोरेशन में पोर छिपा हुआ है। तो यहां पर जानना है कि सेल जो है, या सेल है प्लांट सेल है, क्या है? प्लांट सेल। तो ये जो है आपको सेल, उसका वॉल है, ये जो है उसका सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हाई इंपल्स स्ट्रेंथ के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको हम डीएनए को, हम लोग जो ये सब जो होता है वेक्टरलेस होता है, वेक्टरलेस जो डीएनए को हम लोग इसके अंदर पुट करेंगे, ताकि हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट, इसको दो प्रोसेस है, या तो कैल्शियम के कारण, यहां पर कैल्शियम का लेपन कर देंगे, यानी कैल्शियम को कोटेड कर देंगे सेल में, तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए जो है आपको सेल मेम्ब्रेन का पोर ओपन हो जाएगा, तब डीएनए जो है आपको, जो पार्टिकुलर जो है उस डीएनए, वो जो डीएनए है आपको एंट्री कर जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा सेल के अंदर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्स का झटका देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आपको उस समय आपको पोर जो है ओपन हो जाता है। ओके, इस तरीके से यहां पर या तो इलेक्ट्रिक इंपल्स क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्स दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू इलेक्ट्रिक इंपल्स काफी ज्यादा हाई स्ट्रेंथ में जब दिया जाएगा, तो ये है आपको जो सेल मेम्ब्रेन का जो पोर है आपको ओपन हो जाएगा, और इसके अंदर आपको
छोटा 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 पोर जो है ओपन हो जाएगा, इसके अंदर जो है डीएनए चला जाएगा, वेक्टरलेस डीएनए चला जाएगा। तो ये है आपको इलेक्ट्रोपोरेशन। एक बात और है इलेक्ट्रोपोरेशन में ध्यान देना है, इलेक्ट्रोपोरेशन में पीईजी, पीईजी का फुल फॉर्म होता है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। इसका यूज हम लोग प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए करते हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए करते हैं। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी भाग है सेल मेम्ब्रेन को लेकर सेल के अंदर, उसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो ये पीईजी जो है जनरली एक ऐसा आपको पीईजी कंपाउंड है जिसके सहारे क्या होता है, जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करने में मदद करता है, यानी कि डीएनए को जाने में मदद करता है जब पीईजी का यूज करेंगे। तो इस तरीके से मैंने बताया आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बायोटेक्नोलॉजी में। अभी मैंने बताया बैक्टेरियोफाज वेक्टर, व्हाट इज बैक्टेरियोफाज, इट इज अ टाइप ऑफ वायरस हु इम्पिक्ड अंडर बैक्टीरिया, देयर इज अ टाइप ऑफ वेक्टर, देयर इज अ टाइप ऑफ वेक्टर दैट यूज्ड एज वेक्टर। ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ बैक्टेरियोफाज वेक्टर, फर्स्ट लैम्डाफाज एंड M13 phage. Lambda phage are generally double stranded and linear, whereas M13 phage is single stranded and circular. Second, cosmid. What is cosmid? That is cosmid. Cosmid is a cos site of lambda phage and plasmid combination. Okay. That is used in gene sequencing. What is bark? It's full for bacterial artificial chromosome. Whereas yak full form yeast artificial chromosome. Both are used in DNA sequencing. What is bark? That is bacterial artificial chromosome. That size along 300 to 350 kb. But yeast artificial chromosome size is more than bark. As like 1 MB, okay, that both are used as vector. Phagemid is formed with two words, phage and mid. Phagemid means bacteriophage and mid means plasmid. So that is the combination between bacteriophage and plasmid. Even that works as gene sequencing. What is transposons? Transposons is a mobile genes or jumping gene, may be also called or transposable element, that is discovered by Barbara McClintock in maize. Okay, whereas unit of DNA is move one DNA to another DNA, that is called transposons. What is shuttle vectors? Be aware that type of vector that is used in prokaryotic cell, even eukaryotic cell, so that is called shuttle vector. Okay, there have two types of ORI and selectable marker is present in shuttle vectors. In shuttle vectors, one ORI and selectable marker used as prokaryotic, as vice versa used in eukaryotic cell. What is competent host? Competent host B, known as vein introduce of DNA. Introduce of DNA in host cell is available as rightly, that is called competent host. There are competent host in there are many flowing process be occurred as be cool and hot. After that, recombinant DNA will that introduce in host cell. Macro injections, ballistic gene and electroporation is a vectorless DNA topic. What is micro injections? Macro injection technique is used in animal cell. Okay, through macro needles and macro pipettes, vectorless DNA is put in nucleus of animal cell. So that process is called micro injections.
माइक्रो मीन्स अ स्मॉलर इंजेक्शन, अ स्मॉलर टाइप्स ऑफ इंजेक्शन दैट बी यूज इन टॉपिक स्मॉलर टाइप्स ऑफ इंजेक्शन दैट बी यूज इन प्रोसेस। व्हाट इज बायोलिस्टिक जीन एंड जीन गन, अ जीन कोटेड पार्ट ऑफ व्हेन डीएनए इज कोटेड विद टंगस्टन एंड गोल्ड एंड दैट इज बम्बार्डमेंट ऑन होस्ट सेल देन इंट्रोड्यूस ऑफ दिस टाइप ऑफ दैट टाइप ऑफ डीएनए अंडर कॉम्पिटेंट होस्ट दैट इज कॉल्ड बायोलिस्टिक मेथड और जीन गन। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रोपोरेशन, थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड हाई स्ट्रेंथ फॉर्मेशन ऑफ पोर इन सेल देयरफॉर डीएनए इज इंट्रोड्यूस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपोरेशन। इवन पीईजी पॉलीथिलीन ग्लाइकोल इज अ पार्ट वेयर एज थ्रू पॉलीथिलीन ग्लाइकोल थ्रू इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोसेस डैट बी नॉट प्रेफर पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल डैट बी कोटेड देन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन प्रोसेस इज अकर्ड वेरी इजिली। धन्यवाद।